बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। डियर स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडे लेक्चर, आई वुड लाइक टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चन। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट, व्हाट इज आइसोटोप्स? आई डिफाइन आइसोटोप्स। This student, atom of the same element having same atomic number but different mass number is called isotopes. My second question is, student, why physical properties of isotope are different but chemical properties are same? Give reason. Chemical properties of isotope are same because we know that isotope have same number of electrons and chemical properties depend upon the valence electrons, so that's why they have same chemical properties. While they have different physical properties because their masses are different, or we can say that the number of neutrons in isotope are different. My last question is, student, what are the name of hydrogen isotopes and how we can represent it through symbol? Dear student, hydrogen has three isotopes. First one is called protium, which is called normal hydrogen, which atomic number is 1 and its mass number is also 1. Deuterium, which atomic number is 1 and mass number is 2. And similarly, tritium, which atomic mass is 3 while atomic number is 1. We see that its atomic number is same but masses are different, so that's why these are called isotopes of hydrogen. Dear student, aaj ke lecture mein hum isotopes ki uses, kahan kahan isotopes hamare paas istemal hote hain, inki applications hamari daily life ke andar kahan kahan hoti hai, isko डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, स्टूडेंट, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, और वी कैन से दैट एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। याद रखिएगा स्टूडेंट, आइसोटोप्स की एप्लीकेशन पर जाने से पहले मैं आपको आइसोटोप्स की दो टाइप्स बता देता हूँ। आइसोटोप्स हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। एक किस्म के आइसोटोप्स को बोला जाता है रेडियो आइसोटोप्स, और एक को बोलते हैं नॉन रेडियो आइसोटोप या स्टेबल आइसोटोप्स। याद रखिएगा स्टूडेंट, रेडियो आइसोटोप्स वो आइसोटोप होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और जो रेडिएशन को इमिट करते हैं। रेडिएशन हमारे पास बीटा, गेमा एट्सेट्रा की रेज या रेडिएशन हो सकती हैं। फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट, रेडियो आइसोटोप्स उस किस्म के आइसोटोप जो अनस्टेबल हों, जो रेडिएशन खारिज करते हों, उस किस्म के आइसोटोप को बोलते हैं रेडियो आइसोटोप, और जो ये वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करते हैं उनको बोलते हैं स्टेबल आइसोटोप्स या नॉन रेडियो आइसोटोप्स। हमारे पास स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ रेडियो आइसोटोप की यूजेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में रेडियो आइसोटोप की यूजेस बताई गई हैं। तो रेडियो आइसोटोप हमारे पास फर्स्टली यूज़ होते हैं। बेसिकली रेडियो आइसोटोप हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं मेडिकल वाली फील्ड में। जैसा कि हम कह सकते हैं कि
सबसे ज़्यादा रेडियो आइसोटोप यूज़ होते हैं टिप के शोबे में। इसके अलावा भी कई शोबों में हमारे पास रेडियो आइसोटोप यूज़ होते हैं। आज के लेक्चर में हम इसको एक ब्रीफ सा डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पहला जो यूज़ है हमारे पास रेडियो आइसोटोप का, उसको बोलते हैं रेडियो थेरापी। रेडियो थेरेपी का मतलब क्या है स्टूडेंट? रेडियो थेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के इलाज के तौर पे हम रेडियो आइसोटोप को यूज़ करते हैं। कैंसर के इलाज के लिए बेसिकली रेडियो थेरेपी का वर्ड यूज़ किया जाता है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैंसर क्या है, किस तरह बनता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इनकी बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है। सो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड वी आल्सो नो दैट स्टूडेंट, सेल जितने भी होते हैं ये पुराने सेल से मिलकर बनते हैं। न्यू सेल जो होते हैं ये पुराने सेल से मिलकर बनते हैं, या पुराने सेल से ही न्यू सेल बनते हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट, पुराने सेल रिप्लेस होते हैं न्यू सेल में। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ सेल बनते हैं तो कुछ सेल ख़त्म भी होते हैं, डिस्ट्रॉय भी होते हैं। हमारे जिस्म में या लिविंग बॉडीज़ में सेल प्रोड्यूस भी होते हैं और ख़त्म भी होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर हमारी बॉडीज़ के अंदर ये सेल की जो डिवीजन है ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल हो, तो इसको हम नाम देते हैं कैंसर। लिविंग बॉडीज़ के अंदर सेल की डिवीजन हो रही होती है, अगर ये डिवीजन स्टूडेंट अनकंट्रोल हो, अनकंट्रोल का मतलब बेकाबू तकसीम हो, हमारे जिस्म के अंदर या लिविंग बॉडीज़ के जिस्म के अंदर अगर अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल हो, तो इसको हम कैंसर का नाम देते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, ड्यू टू अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन अ सर्टन पार्ट ऑफ बॉडी कंबाइन टू फॉर्म ट्यूमर। ये जो सेल फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बॉडी के किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रही है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर स्टूडेंट ये अनकंट्रोल्ड सेल जो होते हैं ये कंबाइन होके हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्यूमर। उर्दू में हम इसको बोलते हैं रसोली। अब ट्यूमर स्टूडेंट क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ अनकंट्रोल्ड सेल कंबाइन हो गए किसी भी सर्टन पार्ट के अंदर, बॉडी के सर्टन पार्ट के अंदर, तो ये ट्यूमर बना देते हैं। अब इस ट्यूमर वगैरह को स्टूडेंट तोड़ने के लिए, ब्रोकन डाउन करने के लिए हम रेडियो आइसोटोप की रेडिएशन यूज़ करते हैं। इसलिए हमने कहा कि इसको रेडियो थेरेपी के तौर पे यूज़ करते हैं। आई होप रेडियो थेरेपी किस तरह की जाती है स्टूडेंट, ये आपको अब क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ये हमारे पास दो किस्म का होता है, एक को बोलते हैं स्किन कैंसर और एक को बोलते हैं इंटरनल बॉडी कैंसर। स्किन कैंसर जो होता है स्टूडेंट, ये हमारे अपर लेयर के ऊपर ही कुछ पर्टिकुलर जगह डैमेज वगैरह हो जाती है, जिसको हम कहते हैं स्किन कैंसर। और सम टाइम हमारे पास हमारे बॉडीज़ के इंटरनल ऑर्गन के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह बन जाते हैं, जिनको हम कहते हैं इंटरनल बॉडी कैंसर। अब जो स्किन कैंसर है, इसको ट्रीट करने के लिए हम स्टूडेंट फास्फोरस 32 और स्ट्रॉन्शियम 90 के आइसोटोप को यूज़ करते हैं। और फास्फोरस 32 और स्ट्रॉन्शियम 90 जो है ये बीटा रेडिएशन को इमिट करता है। बीटा रेडिएशन हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है ये कम होती है, इसलिए इसको स्किन कैंसर को रिकवर करने के लिए, ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हाँ, अगर हमारी बॉडीज के अंदर, बॉडी के किसी इंटरनल ऑर्गन के अंदर कोई कैंसर है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें हाई पेनिट्रेटिंग पावर वाली रेडिएशन रिक्वायर्ड है, जो कि हम कोबाल्ट 60 को यूज़ करते हैं। कोबाल्ट 60 को यूज़ करते हैं जिससे गेमा रेडिएशन हमारे पास इमिट होती हैं, जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से हम इंटरनल बॉडी की कैंसर को रिकवर करते हैं। यह था स्टूडेंट हमारे पास पहला पॉइंट, रेडियोथेरेपी। सेकंड हमारे पास पॉइंट आ जाता है, सेकंड यूज़ इसका आ जाता है, ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिंस। ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस का मतलब है स्टूडेंट के पता लगाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, किस चीज़ का पता लगाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी हमारे पास डिज़ीज़ है उसकी तशखीस करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, ये कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, ये कैसे प्रोड्यूस हुई है, इसका पता लगाने के लिए और मेडिसिंस के तौर पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, ट्रेसर और डायग्नोसिस के लिए हम न्यूक्लियर मेडिसिंस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए या उसको ट्रेस करने के लिए हम कुछ ऐसी मेडिसिंस यूज़ करते हैं स्टूडेंट, जिनके अंदर रेडियो आइसोटोप मौजूद होते हैं। रेडियो आइसोटोप्स वाली मेडिसिंस को स्टूडेंट बोलते हैं न्यूक्लियर मेडिसिंस, और न्यूक्लियर मेडिसिंस की वजह से ट्रेसर ऑफ स्टडी की जाती है, ट्रेसर ऑफ डिज़ीज़ या डायग्नोसिस ऑफ डिज़ीज़ वगैरह की जाती है। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट, फिर आपको ये फर्दर क्लियर हो जाएगा। गोइटर का नाम स्टूडेंट आप लोगों ने सुना होगा। गोइटर स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें स्टूडेंट हमारे पास हमारा जो गला है उस गले के अंदर एक मतलब हमारा गला इसके अंदर सूज जाता है, स्वेलअप हो जाता है। ये स्वेलअप इसलिए होता है स्टूडेंट के हमारे गले के अंदर स्टूडेंट होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन ये होता है स्टूडेंट, ये हमारे पास हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, और हार्मोन जो है ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, हार्ट बीट को, टेम्परेचर को, इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ये थायराइड ग्लैंड जो है स्टूडेंट, इसको अपना वर्क करने के लिए, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। इट रिक्वायर आयोडीन फॉर नॉर्मल फंक्शंस। और अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर स्टूडेंट आयोडीन की डिफिशेंसी हो जाए तो इससे हमारा गला सूज जाता है या थायराइड ग्लैंड सूज जाता है, जिस बीमारी को हम कहते हैं गोइटर। फिर से बता देता हूँ, ऐसी बीमारी जिसमें हमारा गला सूज जाए, जिसमें आयोडीन की डिफिशेंसी हो जाए, इससे बीमारी फैलती है जिसको हम कहते हैं गोइटर। गोइटर की बीमारी को कर्व करने के लिए हम न्यूक्लियर मेडिसिंस को यूज़ करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट किस तरह हम इसको काम में लाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। डी स्टूडेंट, इस डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए स्टूडेंट आयोडीन 131 को यूज़ करते हैं एज अ न्यूक्लियर बेस मेडिसिंस। अब ये काम किस तरह करते हैं स्टूडेंट, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आयोडीन को इंजेक्ट किया जाता है। अब ये आयोडीन जो है थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब कर लेता है। थायराइड ग्लैंड जब हमारे पास आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेता है स्टूडेंट, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियर बेस्ड मेडिसिंस हैं, इसके अंदर रेडियो आइसोटोप मौजूद होंगे, जब आयोडीन इसको हमारे थायराइड ग्लैंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्प्शन के बाद स्टूडेंट
वो रेडिएशन इमिट करता है, और रेडिएशन इमिट करने के बाद स्टूडेंट हमारे गले का लेट सपोज थायराइड ग्लैंड के कुछ सेल्स वगैरह जो स्वेल अप हुए हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, इनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है एडिशनल स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। डी स्टूडेंट एक जर्नल मैन पॉइंट आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, जितनी भी न्यूक्लियर बेस मेडिसन्स होती हैं स्टूडेंट इनका फंक्शन ये होता है स्टूडेंट कि ये आपके डिफेक्टिव पार्ट्स के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि अभी हमने थायराइड ग्लैंड को जो डिफेक्टिव पार्ट था इसके अंदर इसको हमने इंट्रोड्यूस किया जिससे रेडिएशन इमिट हुई और वो थायराइड ग्लैंड की जो एक्स्ट्रा एडिशनल स्वेलिंग थी वो ख़त्म हो गई। इसी तरह स्टूडेंट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इज दैट इट कंसंट्रेटेड इन द डिफेक्टिव पार्ट एंड रिलीज रेडिएशन एंड दीज रेडिएशन आर डिटेक्टेड बाय गेमा कैमराज। समटाइम्स स्टूडेंट ये होता है कि हमारे किसी भी डिफेक्टिव पार्ट्स के अंदर न्यूक्लियर मेडिसिन को कंसनट्रेट किया जाता है, दाखिल किया जाता है, और आपको पता है कि न्यूक्लियर बेस मेडिसिन हैं इसके ये रेडिएशन इमिट करेंगी, ये जब रेडिएशन इमिट करती हैं तो इन रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए गेमा कैमराज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम किसी भी डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आसानी से गेन कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट कि किस तरह किसी बीमारी की तशखीस करेंगे। पहला पॉइंट तो आपको बताया कि डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सेकंडली किस तरह एक बीमारी की तशखीस हम इससे करते हैं। डी स्टूडेंट एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, टेक्नीटियम 99 जिसका मास नंबर है ये बोन की ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। थर्ड यूज़ ऑफ आइसोटोप स्टूडेंट आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूज़। आर्कियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आर्कियोलॉजिकल का मतलब है आसारे कदीमा, आसारे कदीमा का मतलब है पुराने ज़माने की चीज़ें जो 100-200 साल पहले की चीज़ें होती हैं जिन उनको हम कहते हैं। चीज़ों में स्टूडेंट ओल्ड रॉक आ सकते हैं, ओल्ड स्टोन आ सकते हैं, फॉसिल आ सकते हैं। फॉसिल्स का मतलब है रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब इंसान या जानवर वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं तो उनके जो रिमेन्स होते हैं, उनके जो ढांचे होते हैं, या लेट सपोज उनका जो मड वगैरह होता है उसको स्टूडेंट फॉसिल का नाम दिया जाता है। उन फॉसिल से स्टूडेंट उस चीज़ों की एज की डिटर्मिनेशन की जाती है। आइसोटोप्स को यूज़ करके उन प्लांट्स और एनिमल की एज को मेजर किया जा सकता है। आर्कियोलॉजिकल स्टूडेंट क्या करते हैं, किस जगह पे हमारे पास आयल की ड्रिलिंग करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, इसको भी फाइंड आउट करने के लिए आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। डी स्टूडेंट किसी भी फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए हम आइसोटोप्स की हेल्प लेते हैं और उसको हम नाम देते हैं कार्बन डेटिंग, मतलब किसी भी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मौजूद होगा उस कार्बन के आइसोटोप्स की एज को फाइंड आउट करने के लिए या उस कार्बन के आइसोटोप की मदद से उस फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए हम इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। सो व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग, एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट फॉसिल्स बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन देम इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। के किसी भी फॉसिल्स या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कार्बन 14 मौजूद हो
और उस कार्बन 14 आइसोटोप्स की मदद से उस ऑब्जेक्ट या उस फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करना कार्बन डेटिंग कहलाता है। स्टूडेंट ये किस तरह परफॉर्म करते हैं, मैं जर्नल से एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट प्लांट्स हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से प्लांट लेते हैं और सम टाइम हम ऐसे पौधे वगैरह या हम लेट सपोज कुछ ऐसी डेली लाइफ में हम कुछ को तो हम एज अ सब्जियों के तौर पे यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो कार्बन हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। सम टाइम ये होता है कि जानवर वगैरह प्लांट्स वगैरह को खाते हैं जिससे वो कार्बन 14 जो एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर आया हुआ है वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स से वो एनिमल्स खाते हैं तो एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं और एनिमल्स को हम खाते हैं तो हमारे बॉडीज के अंदर आ जाते हैं। स्टूडेंट होता क्या है कि कार्बन 14 की जो अमाउंट है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट में पाई जाती है कि इससे ज़्यादा नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ह्यूमंस है, इनके ह्यूमंस के अंदर कार्बन 14 की अमाउंट होती है 100 ग्राम, एक लिविंग ह्यूमंस के अंदर कार्बन 14 की अमाउंट 100 ग्राम तक होती है और जब वो लिविंग बॉडीज डीनेचर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है या मर जाती है तो उससे क्या होता है स्टूडेंट, कार्बन उसके अंदर कार्बन 14 जो होता है इसकी कार्बन 14 जो होता है वो इतने साल बाद 5730 साल बाद ये हाफ रह जाता है। मतलब अगर 100 ग्राम एक नॉर्मल इंसान में है तो इतने साल गुजरने के बाद उसकी अमाउंट 50 ग्राम हो जाती है। अगर लेट सपोज आपको एक बॉडी मिलती है, आपने उसकी एज डिटरमाइन करनी है तो आपको पता है एक नॉर्मल इंसान के अंदर इतना है लेट सपोज, अब उसके बॉडीज़ के अंदर कार्बन 14 की अमाउंट को मेजर करें, अगर वो 50 ग्राम है तो इट्स मीन दैट उसके ऊपर इतने साल गुजर गए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक उसकी अमाउंट 50 नहीं 25 ग्राम है तो इट्स मीन दैट इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करें इतने साल गुजरे होंगे इस बॉडीज़ के ऊपर, ये बॉडी इतनी पुरानी है। इस तरह आप किसी भी एज की किसी भी ऑब्जेक्ट की एज डिटरमाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज के लेक्चर में आइसोटोप्स के यूजेस आपको क्लियर हो चुके होंगे। जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक बार फिर सम अप के तौर पे मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। डी स्टूडेंट इन द टुडे लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड नॉन रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप आर दोज विच आर अनस्टेबल एंड इमिट रेडिएशन वाइल नॉन रेडियो आइसोटोप डू नॉट इमिट रेडिएशन। Then we discuss about the first use of isotope that is called radiotherapy. What is radiotherapy? Radiotherapy is basically the treatment of cancer. What is cancer? Uncontrolled division of cell occur in a body is called cancer due to uncontrolled cell division in a certain part of body combined to form tumor. And these tumor are broken down by using radiation of isotopes. Then we discuss about types of cancer. There are basically two types of cancer. First one is called skin cancer. Second one is called internal skin cancer. Skin cancer can be treated by using phosphorus 32 and strontium 90. While internal body skin cancer can be recovered by cobalt 60. Next use of isotope is tracer of diagnosis.
फॉर ट्रेसर एंड डायग्नोसिस वी यूज न्यूक्लियर मेडिसिंस. फॉर एग्जांपल वी कैन कर गोइटर. गोइटर इज अ डिजीज इन विच स्वेलिंग ऑफ नेक अकर. बाय यूजिंग आयोडीन इट इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन. Iodine 131 is used to cure goiter as a nuclear based medicine. Iodine is injected through bloodstream, thyroid gland absorb iodine. Absorption of iodine releases radiation which causes to destroy the additional swelling cell. Sixth one is archaeological or geological use. In archaeological use, we use carbon dating. What is carbon dating? Age determination of old object containing carbon 14 to measure the radioactivity of carbon 14 in them is called carbon dating. Next, half life of carbon 14 is 5730 years. So these are the main points of today lecture, student. Now student, come to the homework. Your homework is, student, that write down all lecture on your worksheet. Thank you. Allah Hafiz.